हमने अभी चेकिंग कर लिया है और आपने देखा ये रूम टूर, आपको इस तरह का कुछ रूम मिलेगा। और दिल्ली में ऐसे तीन CPWD के तीन गेस्ट हाउस हैं, आप तीन में जहाँ भी आपको कन्वीनियंट हो वहाँ पे आप ले सकते हैं। निज़ामुद्दीन स्टेशन के पास में है और ये न्यू दिल्ली जंक्शन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में है। तो और ये बहुत अच्छे पॉश एरिया में है और ये कनाट प्लेस के यहाँ से हार्डली कनाट प्लेस 1 किलोमीटर की दूरी पर है और इंडिया गेट भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, ओनली 1 किलोमीटर। तो अगर आप जहाँ भी आपको कन्वीनियंट हो, जहाँ भी आप स्टे कर, लेकिन आपको यहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी और आपको इतना लग्जरियस फील नहीं होगा अगर आप याला कराते हैं कनाट प्लेस के पास में जो है CR हॉस्टल, इसे बोलते हैं CPWD CR हॉस्टल। तो आपको यहाँ इतनी लग्जरियस फील नहीं आएगी, लेकिन अगर आप यही निज़ामुद्दीन में बुक करेंगे तो वहाँ बहुत लग्जरियस और काफ़ी अच्छा वेल डेवलप्ड आपको गेस्ट हाउस मिलेगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप निज़ामुद्दीन वाला बुक करें अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं। तो बताइए आपको दोस्तों कैसा लगा। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ, अभी नहा धो के फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद अपन इंडिया गेट की सैर पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इंडिया गेट और इंडिया गेट के आसपास के जो भी नज़ारे आपको दिखाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। नियरेस्ट लैंडमार्क है हैदराबाद हाउस। आप जब कभी भी आएँ आप अपने दिमाग में रखें कि हैदराबाद हाउस जाना है आपको। हैदराबाद हाउस की बिल्डिंग के जस्ट पास में है, काफ़ी फेमस है दिल्ली में हैदराबाद हाउस। तो आप जब भी वहाँ से टैक्सी करें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो हैदराबाद हाउस बोलकर टैक्सी बुक करें, 100 रुपीज़ लेगा आपसे और यहाँ आपको ड्रॉप कर देगा। ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने महाराष्ट्र सदन, ये देखिए महाराष्ट्र सदन और ये पूरा ऑफिशियली एरिया है, ये पूरी महाराष्ट्र सदन की बिल्डिंग है। देख पा रहे होंगे ये व्लॉग मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। और वो देखिए सामने शिवाजी की प्रतिमा सिंहासन पर बैठी हुई है। देखिए हम पहुंच चुके हैं कस्तूरबा गांधी मार्ग, ये सर्कल है एक, देखिए। और यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है इंडिया गेट के लिए, ये राइट टर्न ले लिया। और आप मेरे राइट में देख सकते हैं ये हैदराबाद हाउस है, मैं आपको दिखाता हूँ इधर से हैदराबाद हाउस। अभी आगे मेन गेट आएगा हैदराबाद हाउस का, तो मैं आपको दिखाऊँगा हैदराबाद हाउस। और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं हैदराबाद हाउस के गेट पर, ये है हैदराबाद हाउस, यहाँ से आप देख पाएंगे अच्छे से। ये देखिए ये है हैदराबाद हाउस और ये इसका बाहर का नज़ारा। और ये देखिए हैदराबाद हाउस के सामने कितना सुंदर गार्डन बनाया गया है और काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और हमने रोड क्रॉस कर ली है हमारी, और अभी हमें रोड के उस साइड जाना है, एक रोड और क्रॉस करनी है। देखिए किसी पार्क में पहुँचे हैं, लेकिन कौन सा पार्क है मुझे पता नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डालूंगा या आगे डिटेल मिलती है तो आपको बताता हूँ। ये देखिए और यहाँ काफ़ी फोटोग्राफर्स घूम रहे हैं। और देखिए बीच में झील टाइप और सामने शायद राष्ट्रपति भवन दिख रहा है, शायद आप देख पा रहे होंगे दूर सामने राष्ट्रपति भवन। तो काफ़ी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है।
हालांकि पार्क में कुछ ऐसा विशेष है नहीं, बस एक बड़ा सा मैदान है और ढेर सारी बसेस खड़ी हैं और सब लौंडे लपाटी घूम रहे हैं। ये देखिए ज़्यादातर लौंडे लपाटी घूम रहे हैं सारे। तो देखिए दोस्तों, जहां हम आना चाहते थे इंडिया गेट, वहां आ चुके हैं और आपको एक बहुत अच्छा दृश्य दिखाऊंगा मैं यहां से इंडिया गेट का। और सामने शायद राष्ट्रपति भवन या पीएमओ ऑफिस का है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे व्यू पॉइंट पर हम पहुँच चुके हैं। और ये देखिए फर्स्ट नज़ारा आप इंडिया गेट का, ये देखिए ये इंडिया गेट आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे इंडिया गेट। और जैसे ही अपना कैमरा टर्न करते हैं तो सामने का नज़ारा देखिए आप, सामने वो राजभवन है, राजभवन ये देखिए राजभवन। थोड़ा पास चल के देखते हैं राजभवन। थोड़ा और अंदर वहाँ आगे चल के अपन फोटो क्लिक करेंगे कुछ फोटोस। और देखिए काफी खूबसूरत नज़ारा है। जिस पर चल रहे हैं ये है कर्तव्य पथ। ये जो रोड देख रहे हैं आप, याला ये पूरा रोड ही है, ये इसको कर्तव्य पथ बोलते हैं। ये कर्तव्य पथ रोड है। और चलिए चलें आगे बढ़ें क्या थोड़े और, लेकिन थक जाएंगे और लगे सारा पास में, लेकिन काफ़ी दूर है वो। तो चलिए दोस्तों, अब इस कर्तव्य पथ से चलते हैं अपन इंडिया गेट की तरफ। देखा आप सामने देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं बिल्कुल इंडिया गेट के सामने। ये तो दोस्तों रोड क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक बढ़िया सा अंडरपास बनाया गया है, आप अंडरपास से होके जा सकते हैं बड़े आराम से। ये देखिए अंडरपास। हम आ चुके हैं और देखिए फर्स्ट क्लोज लुक ऑफ इंडिया गेट। ये देखिए आप इंडिया गेट पास से, और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। दूर से इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी दिखती नहीं है, लेकिन आप पास आके देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है ये।
देखिए आप जितना इसके पास जाते जाएंगे आप इसके विशाल आकार लेता जाएगा ये। देखिए आप इसके दूसरे एंड से इसका व्यू देखिए, गेट ऑफ इंडिया का, सॉरी इंडिया गेट का। गेट ऑफ इंडिया तो बॉम्बे में, ये देखिए इंडिया गेट। और देखिए सामने सुभाष चंद्र बोस खड़े हैं। देखिए ये सुभाष चंद्र बोस स्मारक, आपके सेल्फी की जगह यहाँ है। आप इस बार कोड को स्कैन करिए, सुभाष चंद्र बोस की पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। ये है बार कोड, ये देखिए आप इस बार कोड को स्कैन करेंगे, देखिए। तो देखा दोस्तों आपने, ये सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा और ये इनका सेल्फी पॉइंट। देखिए सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के आसपास काफ़ी अच्छा गार्डन डेवलप कर रखा है, ये देखिए। ठीक इसके अपोजिट आपको इंडिया गेट देखने को मिलेगा, ठीक इसके अपोजिट। और इंडिया गेट के ठीक अपोजिट आपको राजभवन, देखिए आप देख सकेंगे बीच में से, इंडिया गेट के बीच में से राजभवन देखने को मिलेगा आपको। आप देख पा रहे होंगे राजभवन, और काफ़ी खूबसूरत दृश्य है। एक ही लाइन में तीनों हैं, राजभवन, इंडिया गेट और पीछे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। तो बताइए दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। और जाते जाते आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी हिट करें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, और जब तक के लिए गुड बाय।